नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जी कैसा पर। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं, एक चीज बताते हैं कि जो हीरा है वो आपने देखा होगा बहुत चमकता है। हमने एक वीडियो में बताया भी है कि हीरा क्यों इतना चमकता है, लेकिन सवाल ये है कि अगर हीरे की ही हीरा अपनी कटाई की वजह से, वैसे हीरा इतना नहीं चमकता, लेकिन खास कोणों पे ये काट दिया जाए तो ये काफ़ी चमकने लगता है। तो आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है कि अगर उसी कोण पे कांच को भी काट दिया जाए तो कांच भी उतना ही चमकना चाहिए। और सवाल बिल्कुल ठीक भी है भाई, अगर खेल इसके कोण का ही है तो कोण तो कांच में भी लाए जा सकते हैं, तो क्या कांच भी उतना ही चमकेगा? दोस्तों इसके लिए हम विज्ञान का छोटा सा सिद्धांत बस समझ लेते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, क्या होता है दोस्तों, किसी विरल माध्यम से, यानी हल्का घना जो माध्यम है उससे ज्यादा घने, ये मान लीजिए, ये बहुत प्रयोग विज्ञान की प्रयोगशाला में, ये मान लीजिए कांच का टुकड़ा है, यहाँ से किसी घने माध्यम में जाते हैं, यहाँ पे एक ये मान लीजिए 90 डिग्री पे एक लाइन मन में मान ली, ठीक है, इस लाइन के पास आएगा जब ये इस घने से इसमें जाएगा, और जब इस घने से बाहर निकलेगा, यानी अगर कोई किरण है जो इस कांच के टुकड़े से बाहर जा रही है तो इसको मान लीजिए 90 डिग्री का एक कोण मन में, तो ये थोड़ा दूर जाएगा, यानी कि प्रकाश की किरण कोई जब सघन माध्यम से विरल माध्यम, पहले हम आपको बताते हैं, विरल से सघन में जब आएगी तो केंद्र की ओर झुकेगी, यानी ऐसे जानी चाहिए, इसी जगह ऐसे जाएगी, और जब इससे बाहर निकलेगी तो ऐसे जानी चाहिए मगर इसकी जगह ये ऐसे जाएगी। ये बात बस छोटी सी बात है जो आपको समझाने की, ये प्रकाश की किरण मुड़ जाती है घनत्व के हिसाब से, ये बात आप समझिए, हीरे का घनत्व और शीशे का घनत्व। एक चीज और होती है दोस्तों, हीरे की कटाई, हीरे की कटाई जो मैंने आपको बताया कि खास कोण का खेल होता है, तो कोण का खेल क्या होता है, ये है विरल माध्यम बाहर, यहां से कण गया, प्रकाश की किरण गई, क्षमा कीजिए, किरण गई और वो मुड़ेगी, अभी ऐसे कोण पे कि मुड़ के वो बाहर, इतनी मुड़ गई कि बाहर निकल ही नहीं पाई, अंदर ही दूसरे उससे जाके टकराएगी, और उससे भी ऐसे कोण से टकराएगी अंदर फिर आगे बढ़ गई, मतलब उस किरण को ही फंसा दिया इस हीरे ने, हीरे ने नहीं, हीरे की कटिंग ने। वहीं आप कहें एक शीशे को ले लें, तो दोस्तों किरण कितनी मुड़ेगी तो पदार्थ के घनत्व पे, इसका घनत्व तो लाजवाब होता है, जबकि शीशे का घनत्व तो इतना नहीं होता कि वो पूरी तरीके से प्रकाश को मोड़ सके, जो प्रकाश की किरण अंदर ही पूरी पूरी मर जाती है ना, इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, तो ये इसमें हो जाता है, कम कोण पे बन जाता है, यानी इसके लिए बहुत ज्यादा कोण की जरूरत नहीं होती, इसका घनत्व तो अच्छा खासा होता है, तो एक ठीक ठाक सा कोण पे हीरे को अगर काट दिया जाए तो ये प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी एक बार किरण अंदर गई तो अंदर काफी घूम घाम के बड़ी मुश्किल से वापस आ पाती है। वहीं शीशे का घनत्व तो इतना नहीं होता जितना हीरे का, हीरे से बहुत कम होता है, तो हीरे में जो किरण इसमें मुड़ती है, समझ लीजिए अगर ये यूं जानी थी तो इसने यूं कर दी, वो वहां पे यूं जानी थी तो ये करेगा यूं, यानी अभी बाहर, अगर इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन करना है तो इसको कुछ अलग ही आकार बनाना पड़ेगा, और उस आकार में भी वो अगले जो जैसे यहां से मुड़ के यहां मुड़, उसके लिए बड़े अलग अलग कोण तय करने पड़ेंगे, और वो भी इतना रोक पाएगा नहीं, क्योंकि घनत्व तो उसका उतना है नहीं, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा जीवन भर के लिए रुक जाती किरण, किरण इतने देर निकलती मगर काफी घूम फिर के उतनी देर में जो किरण जाती है चमक पर, लेकिन शीशा उतना चमकेगा नहीं, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए इसको जो कोण दिए गए हैं उतनी खूबसूरती वाले कोण शीशे में नहीं काटे जा सकते, और काटे जाएंगे तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन फिर भी नहीं देगा, थोड़ा बहुत देगा,
लेकिन पूरी तरीके से कोणांतरिक परावर्तन का छोटा हिस्सा भी कहिए नहीं देगा, छोटी सी चमक बढ़ जाएगी और कुछ नहीं। इसलिए शीशे को शीशा ही मानिए, हीरा हीरा रहेगा और चमकता रहेगा। देखते रहिए हमारे चैनल जिज्ञासा। नमस्कार।